Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आपके सामने ये एक सीगेट का फायर क्यूडा, एक हार्ड डिस्क है जो कि 2TB का है, आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल डेड है। और ये फिलहाल वारंटी में है, तब भी हम इसे रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि इसका डाटा जरूरत है। और अगर हम इसको वारंटी में भेजेंगे भी तो ये हमारा रिप्लेस करके देगा। तो वारंटी के बिना वारंटी के जो होगा वो आप रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, पर वारंटी वाला हार्ड डिस्क में टच मत कीजिएगा। ओके, तो फिलहाल ये डेड है इसीलिए हम इसमें रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो और कौन सी हार्ड डिस्क अगर आपके पास आता है तो नहीं करना है, ये आप देख लीजिए, सुन लीजिए। अगर ऐसे कुछ हार्ड डिस्क आपके पास आता है और उसका जो है इसके अंदर एक डिस्क होता है वो घूम रहा है, तो इसमें अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको महसूस होगा, ऐसे करेंगे तो ये कुछ अजीब सा महसूस होगा, तो और साउंड भी आएंगे अंदर से। तो अगर आपका हार्ड डिस्क घूम रहा है और डिटेक्ट नहीं हो रहा है या तो भी दूसरा कुछ इशू है तो उस टाइम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्यों कर पाएंगे और कब कर पाएंगे और कौन सी सिचुएशन में कर पाएंगे, अगर आपका ये अंदर का मोटर जो है वो नहीं घूम रहा है तभी आप इसे करने का चांसेस आपका वो भी 50-60% रहता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं एक बार चालू करके। तो देखिए यहाँ पे हमारा SMPS के साथ ये जो है कनेक्टेड है, और यहाँ पे SMPS जो है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर से लेना होगा। देखिए यहाँ पे SMPS का फैन भी आपको दिख रहा है और मैं अभी आपके सामने चलाऊंगा। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान तरीके से हम आसान भाषा से काम सिखाते हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं है तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन रॉ फुटेज हम डालेंगे। अगर ये रिपेयर हो जाता है तो ये हम रॉ फुटेज डालेंगे। तो देखिए ये जो मैंने लगा के रखा हूं, और इसके बाद हम क्या करेंगे मदरबोर्ड में लगा के भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करने से ये फैन जो है हमारा ये घूमेगा। तो उसके बाद इसका हार्ड डिस्क जो है ये इसमें चलना चाहिए, लेकिन ये कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ आपको ऐसे करने नहीं देंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। मतलब कि ऐसे करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ इसके अंदर कुछ घूम रहा है, तो ये नहीं घूम रहा है। और आपको यहाँ पे कान लगा के भी सुनना होता है कि हाँ ये अंदर से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। तो फिलहाल इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इसे खोलने से पहले मैं आपको मदरबोर्ड में लगा के दिखाता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एक मैंने सिस्टम ले लिया मदरबोर्ड, और इसमें इसका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम वाला हार्ड डिस्क है वो भी लगाएंगे। और एक्चुअली ये जो है इसका बैकअप है, मतलब एक फोटोग्राफर का है ये, तो इसको भी हम लगाएंगे। और ये सेकेंडरी लेगा अगर सही होता है तो अगर नहीं होता है तो उसके बाद आपको मतलब आपको कंफर्म करवाने के लिए ये कर रहा हूं, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है तब भी कर रहा हूं। तो देखिए तो ये नीचे का जो है ये है इसका सिस्टम हार्ड डिस्क, और इसमें भी मैं सप्लाई जो है दे देता हूं। और ये है बैकअप का जो है हार्ड डिस्क वो है, तो इसे भी हम लगाएंगे। तो उसके आगे हम टिश्यू का इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि इस हार्ड डिस्क का बोर्ड जो है ये बाहर की तरफ है, तो इसके ऊपर हम टिश्यू रख देंगे। और उसके बाद जो हार्ड डिस्क हम रिपेयर करने वाले है उसे हम रख रहे हैं, तो उसका भी ये SMPS का जो सप्लाई है इसे हम लगा रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे इसे चालू करेंगे, तो चालू करके देखते हैं। सॉरी ये पावर ही मैंने नहीं लगाया। तो ये हमारा चालू हो चुका है और मैं आपको दिखा रहा हूं।
देखिए ये घूम रहा है और यहाँ पे ये विंडोज चालू होंगे, तो विंडोज चालू होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये नॉर्मली करना होगा, तो हम कीबोर्ड लगा के फटाफट कर लेते हैं। तो अब देखिए विंडोज हमारा चालू हो चुका है और ये केबल यहाँ पे ये इसके साथ ही कनेक्टेड है और इसी सेटअप में आप देख सकते हैं टोटल हमारा जो है नया जो हार्ड डिस्क हम रिपेयर करने वाले वो भी कनेक्टेड है। तो ये दिखाते दिखाते 5-6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आपके लिए ये मायने रखता है। तो देखिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके मैनेज पे जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है डिस्क ड्राइव हम देखेंगे। वो यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे जाने पर आपको दिखेंगे जितना भी हार्ड डिस्क में लगा हुआ होता है वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो 500 GB का हार्ड डिस्क था वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, और अगर आप डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो वहां पे भी आपको डिवाइस दिखने को मिलता है हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डिस्क ड्राइव जो है यहाँ पे, तो ये हमारा जो सैमसंग का था यही है, ओके। तो ये हार्ड डिस्क हमारा शो नहीं कर रहा है और डिस्क मैनेजमेंट में भी नहीं दिखा रहा है। तो चलिए अभी इसे बंद कर देते और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो इसे मैं बंद कर दिया और इसे हटा के मैं आपको दिखा रहा हूं। तो हम इसे इसीलिए रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि यहां पे कोई सील नहीं है, ठीक है, ये भी बता दिया आपको। और इसके बाद हम इसे खोलेंगे, यहाँ पे जो स्क्रू है आपको टोटल यहाँ पे 6 स्क्रू मिल रहा है, तो इसे आप खोलिए और रॉ फुटेज आप देखिएगा क्योंकि नहीं तो नहीं कर पाएंगे, और विदाउट एक्सपीरियंस कोशिश भी मत कीजिए क्योंकि नहीं कर पाएंगे आप। और ये बोर्ड जो है इसमें ही प्रॉब्लम हुआ है, और इसमें क्या हुआ है वो भी हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आईसी है, 4 IC यहाँ पे जो है बीजीए टाइप का है, तो इसमें हम टच भी कर नहीं सकते। तो अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम होंगे तब भी हम इसे रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें सप्लाई जो है हमारा क्यों नहीं आ रहा है और मोटर क्यों नहीं घूम रहा है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिया और SMP उसको हम अब ऑन करने जा रहे हैं, फिर से ग्रीन और ब्लैक को शॉर्ट करेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएंगे, ओके, ये ऑन हो चुका है। और उसके बाद हम इसका वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे। अब आपको यहाँ पे वोल्टेज दिखने को मिलेंगे, तो ये कॉमन में नेगेटिव जो है ये आप लगा दीजिए कोई भी एक जगह पे। उसके बाद आपको ये वोल्टेज चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए 16 वोल्ट शो कर रहा है, ये मेरा मल्टीमीटर का गलती है, दूसरा मल्टीमीटर देख लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए उसका बैटरी एकदम लो हो चुका है इसलिए गलत वोल्टेज शो कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है तकरीबन 12 वोल्ट इसमें आ रहा है, देखिए इस पिन में, उसके बाद नेगेटिव का पॉइंट से 3, उसके बाद फिर से ये जो रेड है ये इसमें से सप्लाई जा रहा है, तो इसमें ये पॉजिटिव वोल्टेज आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन ये हमारा नहीं मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, इसमें 3.21 वोल्टेज मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं 0 ohms का है, तो ये 0 ohms के बाहर भी आपको मिलना चाहिए, तो इसमें कितना आ रहा है, -1.33, ओके। और उसके बाद ब्लैक है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो रेड का जो लाइन जा रहा है यहां से, तो ये यहाँ पे वोल्टेज आपको मिलना चाहिए जो कि 3.60 के आसपास आ रहा है। तो इसे अगर हम खोलेंगे तो अभी हमारा SMPS जो है उसमें से सही ढंग से सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप रेड में आप लगा के देखिए, इसे इस तरीके से लगाइए और रेड में लगाइए, तो देखिए ये 5.212, कभी कभी 15 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, 5.25, तो देखिए ये सही हमारा चल रहा है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट है जरूर, तो अभी हम इसे चेक करेंगे, इसकी वजह से
शायद प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ये वारंटी में है तो अभी इसमें कुछ नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से, तभी हम कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत बहुत है कि ये जो डाटा है इसको रिकवर करना है। ये हमारा 0 ओम्स का रेजिस्टेंस जो है उसमें से कोई ओम्स हमारा नहीं आ रहा है, और ये जो है हमारा ये शॉर्ट हो चुका है। तो ये एक डायोड है, ये AE88A, ये हमारा शॉर्ट हो चुका है, तो ये हम आराम से बदल सकते हैं। देखिए इसमें 1 ओम्स आ रहा है, और ये भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी एक डायोड होता है, कुछ जगह पे कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है। तो देखिए इसमें कोई ओम्स नहीं आ रहा है, कोई बीप साउंड नहीं कर रहा है, और कैपेसिटर भी चेक कर लीजिएगा एक बार, यहाँ पे जो MLC कैपेसिटर है इसे भी आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हमारा यहाँ पे जो 0 ओम्स का रजिस्टर था, देखिए एक बांध हुआ दिख रहा है आपको, दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए, ये वाला जो है बांध हो चुका है, 0 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, उसके बाद का जो है ये भी दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई भी ओम्स नहीं आ रहा है। अगर हम दोबारा इसे लगा भी देंगे तब भी ये डायोड जो है इसकी वजह से ये जल जाएंगे, तो पहले हम इसे निकालेंगे, मतलब कॉज ऑफ इफेक्ट, पहले इफेक्ट जो हुआ है उसका कॉज ढूंढो, उसके बाद रिपेयर करो, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जिसका ये बोर्ड है वो बैठा है नजदीक में, मेरा दादा एक, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं, मेरे ख्याल से हो जाएंगे, और अगर हो जाता है तो ये 1 किलो मटन मिलेंगे, ऊपर से बहुत ढेर सारा पैसा मिलेंगे, क्योंकि उसको डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी जिसका किया है, जिसका शादी का वीडियो बनाया है, वो अगर उसको नहीं मिलता है तो उसको नहीं छोड़ेंगे वो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ओके, तो चलो हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, और अभी क्या करेंगे, दूसरा बोर्ड ऐसे सेम निकालने की कोशिश करेंगे दूसरी जगह से, और कॉम्पोनेंट के लिए। ओके, अभी हम यहाँ पे ये जो डायोड है इसे लगाएंगे और उसको जम्पर कर देंगे, 0 ओम्स का जो है रजिस्टर से हम जम्पर कर देंगे। तो देखिए इस वीडियो को, बहुत मजा आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। ओके, तो ये एक हार्ड डिस्क का बोर्ड है जो कि स्क्रैप का है, तो इसमें जो लगा हुआ है डायोड, तो ये डायोड हम खोलेंगे, और ये है जो शॉर्ट सर्किट नहीं है, आप देख सकते, मैं चेक करके दिखा रहा हूं, उल्टा करके लगाएंगे तो इसमें ओम्स आएंगे। तो चलिए हम इसे खोल के वहां पे लगाते हैं, और सेम साइज का लग रहा है, लेकिन नंबर इसका अलग है, तो भाई नंबर से कोई लेना देना नहीं है मेरा, इसका एम्पेयर से लेना देना है, और इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी के ऊपर लेना देना है। तो हम इसे खोलेंगे, और ये डायोड क्यों लगाया जाता है मैं आपको बता देता हूं, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, और ये पॉजिटिव के साइड इसका पॉजिटिव साइड रहता है, और नेगेटिव के साइड इसका नेगेटिव साइड रहता है, तो ये लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई SMPS खराब हो जाता है तो उसका SMPS खराब हुआ था एक्चुअली में, और उसके बाद ये खराब हुआ है, वारंटी आ चे। तो अब देखिए ये हम चेक करेंगे दोबारा, जो खोला खराब वाला, और जो सही है ये सही वाला यहां पे है, ओम्स आ रहा है, पलट के लगाएंगे तो इसमें कोई ओम्स नहीं आना चाहिए, तो इसे हम लगा देते हैं, और अगर उल्टा लगाया तो इसका सर्किट जल जाएंगे, ठीक है, ये डायोड अगर आपने उल्टा लगाया तो आपका सर्किट जल जाएंगे। तो अभी क्या करेंगे हम यहां पे इसे लगा देंगे, और फ्लूक्स जो है बहुत ही कम हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि इसका वारंटी अभी भी है, तो 2 साल का नॉर्मली हार्ड डिस्क का वारंटी 2 साल का होता है, ये 5 साल का है, ये 5 साल का वारंटी है बोल रहा है, लेकिन अभी भी 1 साल भी नहीं हुआ, तब भी मेरे यहाँ पे लेके आया है काम करवाने के लिए, क्योंकि हार्ड डिस्क का जितना दाम है उससे भी इसका डाटा महंगा है।
तो ये जो है हमारा लग चुका है दूसरा कंपोनेंट, और अब हम दोबारा इसे चेक करेंगे। और यहां पे जीरो ओम्स का जो रजिस्टर है इसे हटा के हम यहां पे क्या करेंगे, सिर्फ तार जोड़ेंगे, क्योंकि जीरो ओम्स में कोई ओम्स इसमें शो नहीं कर रहा है। तो इसमें आप तार भी जोड़ सकते हैं, और जीरो ओम्स का अगर आपके पास कुछ रजिस्टर होता है तो आप उसे भी जोड़ सकते हैं, और फ्यूज भी लगा सकते हैं। नो वैल्यू। तो चलिए हम फ्यूज पहले ढूंढ लेते हैं। अब आपको मैं जीरो ओम्स रजिस्टर जो है खोल के दिखाऊंगा। ये जो है ये लैपटॉप का बोर्ड है स्क्रैप, यहां पे एक है और यहां पे भी एक है। तो ये दोनों को मैं खोलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं वहां पे लगा के। मिलन ट्वीजर, ये एक निकाल दिया तो मैं मल्टीमीटर के ऊपर रखता हूं, और यहां पे और एक है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो दो जीरो ओम्स का रजिस्टर जो है मैंने निकाल दिया, और अब हम इसे चेक करेंगे। मल्टीमीटर के ऊपर यहां पे रख चुका हूं मैं, आप देख सकते हैं, और अब हम इसे चेक करेंगे। तो दोनों ही सही है, तो ये दोनों को यहां पे लगा के देख लेते हैं। और अब आ चुका है टेस्टिंग करने का बारी, और अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकते हम। और अब दूसरा लगाएंगे, क्योंकि दो अलग अलग लाइन पे ये जा रहा है 5 वोल्ट। दोनों का दोनों प्रॉपरली लग चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब हम हार्ड डिस्क में इसे सेट करने वाले हैं। तो ये है उनका हार्ड डिस्क, देखिए, और अब हम यहां पे इसे सेट करेंगे। और ये हमारा रिपेयर हो चुका है, इसका स्क्रू मैग्नेटिक नहीं है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत करता है। और बराबर अगर बैठता नहीं है तो ये आपको डिटेक्ट करने में दिक्कत होगा। तो पहले ढंग से बिठाइए इसको, उसके बाद एक स्क्रू को टाइट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जितना भी स्क्रू है लगा दीजिए।
और मैं सभी स्क्रू को अभी तक टाइट नहीं किया। अब करेंगे। हाँ बराबर बैठा है। अब हम इसे एक बार देख लेते कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। और अब ब्लोअर की जरूरत नहीं है तो इसे बंद कर देता हूं। और अब इसे चलाएंगे और अगर गुड लक अच्छा है तो ये चलेगा। ये चल रहा है तो ठीक हो चुका है मेरे ख्याल से। अभी हम ये मदरबोर्ड में लगा के चेक करके आपको दिखाएंगे। और जो लोग हैं यहाँ पे देख के आप लोग चौंक जाओगे क्योंकि दोनों बंदा जो है बहुत खुश है, दोनों के मुंह में बहुत हंसी आ रहा है और खुश नजारा दिख रहा है। तो चलिए अभी हम इसे चेक करेंगे। और एक हड्डी से पता कर लो हमट्टा, पहले मेरा हार्ड डिस्क जो है सिस्टम का ये लगा देते हैं। और ये भी लगाते हैं, पहले एसएमपी इसका कनेक्शन कर लेते हैं। और दो बार ऐसे कर रहा हूं, टाइम लगेगा भाई, आप लाइव में देख रहे हो इसका, इससे मजा कहां पे मिलेंगे भाई आपको, क्योंकि आप कहीं पे भी देखने जाओगे तो कोई नहीं दिखाएंगे इतना सच्चाई से। ओके अब हम इसके ऊपर टिश्यू रखेंगे और इसे लगा देते। और ये मेरे हार्ड डिस्क के ऊपर टिश्यू, अब उनका हार्ड डिस्क देखिए। ओके और पंखा बंद करके कर रहा हूं, इतनी गर्मी में पंखा बंद करके पागल जैसा काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए था तब भी मैं कर रहा हूं। ओके अब टोटल यहां पे जितना भी कनेक्शन था वो मैं कर दिया और अब हम इसे चालू करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं वीजीए को और यूएसबी कीबोर्ड माउस को भी लगा देता हूं। तकरीबन चेक करने में टाइम थोड़ा सा लगेंगे, खैर कोई बात नहीं, तब भी ये भी देख लीजिए क्योंकि ये सक्सेसफुली रिपेयर हमारा हो चुका है मेरे ख्याल से। ये हमारा चालू हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटेल जो है आया है। और अब स्टार्ट विंडोज नॉर्मली करना होगा क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली बंद किए थे, तो ये कर लेंगे, कर दिया। और उनका हार्ड डिस्क जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, ओके टाइम थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ये 41 बोर्ड है और इसमें मैंने तकरीबन 2500 GB का हार्ड डिस्क लगाया, मतलब 2 TB का ये है और नीचे का जो है 500 GB का, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं पॉज करके करके करता हूं। तो ये हमारा जो है चालू हो चुका है सिस्टम, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रहा है, हार्ड डिस्क शायद हो रहा है, हाँ हो चुका है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ST200DX, तो यहाँ पे उसका जो है कंटेंट खुलने लगा है और उन लोगों का जो सांस अभी तक रुक के रखा था ऑपरेशन थिएटर में वो अभी छोड़ दिया है। तो अभी उन लोगों को दिखाऊंगा और आपने तो देख लिया, और अभी मैं डिवाइस मैनेजर में जाके भी दिखा सकता हूं आपको। तो देखिए यहाँ पे 1.24 TB यहाँ पे है फ्री है, उसमें से 82 GB फ्री है,
तकरीबन। और मैं इसका जो सिस्टम है मेन, तो माई कंप्यूटर में जाके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके बाद हम डिवाइस मैनेजर में जाके देख सकते हैं। दो हार्ड डिस्क हमारे यहाँ पे लेंगे, एक मेरा सिस्टम का लेंगे और दूसरा उनका। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला वाला जो है ये उनका है, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरी जगह से भी इसे चेक करके देख सकते हैं, कंफर्म तो हो चुका है जिसका हार्ड डिस्क है उनको भी कंफर्म हो चुका है। तो हम ये डिस्क मैनेजमेंट में जाके भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 1863 जीबी का ये हार्ड डिस्क है, मतलब 2 TB पूरा का पूरा नहीं मिलता है। तो देखिए यही हार्ड डिस्क यहाँ पे है और मैं उन दोनों भाइयों को दिखा रहा हूँ। और आप देखिए डर रहा है, बहुत खुश है, दोनों सेम जैसा है। तो डरिए मत, दोनों अलग अलग है, मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो दोनों बहुत खुश है और बहुत सारा डाटा था इन लोगों का। आपने तो देखा होगा कि फुल टोटल इसमें लोडेड है, तकरीबन 80 GB के आसपास ये खाली है इसमें, और बाकी का टोटल डाटा ही है। तो अगर ये वारंटी में भेजता तो उनका जो है डाटा टोटल लॉस हो जाता। तो ये मैंने रिपेयर कर दिया। और आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के आप जरूर बताइएगा। और बहुत मेहनत करके गर्मी में फैन बंद करके ये रिपेयरिंग किया। तो भाई लाइक अगर नहीं मारोगे तो मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं। और अगर चाहते हो तो आप शेयर करके भी इस बच्चे को बढ़ावा दे सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और आपका दिन शुभ हो। और अगर रात में आप पबजी खेल रहे हो तब भी शुभ हो, और आपको चिकन डिनर मिले। सो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।